पहले बुंदेलखंड को पिछड़ा और सूखा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन लगातार सरकार के प्रयासों से आज बुंदेलखंड की दिशा और दशा में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। बुंदेलखंड के प्रमुख पानी की समस्या को प्रमुखता से दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज झांसी दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस में सिंचाई विभाग एवं नमामि गंगे जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्राम समूह गुलारा एवं चिरगांव ब्लॉक के ग्राम सुल्तानपुरा में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य के अंतर्गत पाइप पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2030 में सरकार बुंदेलखंड के जल संकट को पूरी तरह से दूर करने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने झांसी जिले में काम करने वाली जल सहेलियों की भी तारीफ की। हालांकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए वह राजनीतिक बयानों से बचते नजर आए। आज उन्होंने सिर्फ विकास की बात की, जबकि अखिलेश यादव के बयान पर वह चुप्पी साधे रहे। बैठक के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मरम्मत नहीं करेंगे, सड़क मरम्मत करने के बाद ही वह गांव का प्रधान एक हैंडओवर होगा, जिसके कारण बाद में संचालन होगा सुबह शाम पानी का। तो ये सब पूरी तैयारी हमारी है, और जहां तक बुंदेलखंड में हमें लगता है कि 2024 तक, दिसंबर 2024 तक बुंदेलखंड में कुछ इलाका छोड़कर जो कंपनियां भी कहते नहीं, तो महोबा है, झांसी का कुछ क्षेत्र है, हमीरपुर का है, बांदा का, चित्रकूट, ललितपुर, लगभग 100% हम कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा यह है कि 2030 तक केन बेतवा के कारण ये जुड़ने का, और केन बेतवा जब जुड़ेगा एक संगम का रूप लेगा, तो 2030 के बाद कंप्लीट 2030 में हो जाएगा। उसके पहले भी बाकी बांदा है, महोबा की जो कार्य योजना है, परियोजना वही पूर्ण हो जाएंगी, और 2030 के बाद बुंदेलखंड में 24 घंटा 12 महीना चलने वाली ऐसी नहरें हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी। झांसी से हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।